न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मास्क नहीं पहनने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई, जिले में 10 से कम संक्रमित, विवाद में पड़ोसी को किया जख्मी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मास्क नहीं लगाने वाले नागरिकों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में पुलिस को निर्देश दिया जा चुका है, सड़क पर निकले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। मारबत उत्सव में जुटी भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण के खतरे और प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरतने की खबर के मद्देनजर नए आदेश जारी किए गए हैं। कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या एवं तीसरी लहर की आशंकाओं के मद्देनजर आज प्रशासन ने व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। जिलाधिकारी विमला आर ने कहा कि प्रतिबंध लगाने से पहले व्यापारियों से चर्चा करने के निर्देश पालक मंत्री नितिन राउत ने दिए हैं। इसी कड़ी में यह बैठक आयोजित की गई है। राज्य सरकार भी हर जिले के हालात की समीक्षा कर रही है। ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे किसी भी घटक का नुकसान न हो। उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिक मानते हुए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। जिलाधिकारी ने इस दौरान स्पष्ट कहा है कि फिलहाल प्रशासन ने कोई फैसला नहीं लिया है, वरिष्ठ स्तर पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी खबर, लगातार 3 दिनों तक मरीजों की संख्या बढ़ती रहने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। फिलहाल जिले में अब 10 से कम कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, लेकिन बुधवार को जिले के नए मरीजों की संख्या 10 से कम नीचे पहुंची है। जिले में कुछ 6 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं, इनमें शहर और ग्रामीण के 2-2 मरीज शामिल थे। इस बीच बुधवार को किए गए परीक्षणों की संख्या भी कम ही दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के 2 अलग अलग मेडिकल कॉलेज के 12 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली थी। मंगलवार को खलबली मच गई थी, इससे आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्या बुधवार को मरीजों की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष में बुधवार को 3000 परीक्षण किए गए। इनमें शहर के 2482 और ग्रामीण के 518 परीक्षण शामिल थे। जिले में मरीजों की कुल संख्या 4,93,096 दर्ज की गई है। तीसरी खबर, पानी के पाइप को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने पड़ोसी को जख्मी कर दिया। आरोपी अजय चरणदास ढोक के ताजश्री धाम घोंगली निवासी है। अजय की जख्मी 41 वर्षीय हरीश मारवे एक अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट की छत पर बरसाती पानी की निकासी के लगाया गया पाइप फूट गया है। इस वजह से हरीश पाइप के मुंह को सीमेंट से बंद कर देता है। अजय ने पानी की निकासी के लिए सीमेंट और पाइप को फोड़ दिया, जिससे पाइप का पानी हरीश की मां पर गिर गया। हरीश मंगलवार की सुबह पाइप फोड़ने की वजह पूछने के लिए अजय के पास आया। अजय ने हमला कर हरीश को जख्मी कर दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।